नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों सबसे पहले तो अपडेट देना चाहूंगा, जो हमारी एप्लीकेशन पे मंथली बेसिस पे पांच आपके लिए स्टॉक्स के बारे में मैंने लास्ट मंथ से स्टार्ट करा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई अमाउंट पे नहीं करना आपको इसके लिए। तो वो मैं आपके लिए सैटरडे यानी कल या परसों में से अपलोड कर दूंगा जो जो स्टॉक्स दिखेंगे। हालांकि अभी मुझे पांच दिख नहीं रहे हैं, बट जो भी मेरे लिए होगा वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। और डिस्क्लेमर ये रहेगा कि उनमें से किसी भी जगह मेरी पर्सनल पोजीशन हो सकती है। अब अभी के लिए जो मैं दो स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक डिलीवरी बेस है और एक आप कैश में भी ले सकते हैं और फ्यूचर में भी चाहे तो कर सकते हैं ट्रेड। बट यहां प्रॉपर एसएल के साथ आपको काम करना है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्या व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए व्यू बन रहा है पॉजिटिव, क्यों बन रहा है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे जो है जिसके बारे में व्यू थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है, उसका नाम है बाटा इंडिया। अगर आप बाटा इंडिया का स्टॉक देखोगे तो इसमें क्वार्टर थ्री के नंबर्स के बाद से गिरावट स्टार्ट हुई थी, जब ये स्टॉक अराउंड 1800 का था। तो मैंने इस स्टॉक में आपको अलर्ट जारी करा था कि ये आपके लिए अराउंड 1700 का लेवल ब्रेक कर रहा है, सावधान हो जाओ बड़ी गिरावट हो सकती है। और वहां से स्टॉक काफी बड़ी गिरावट दिखाते हुए आज 1418 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा। अच्छी बात यह है कि स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। हालांकि इसी तरीके का सस्टेन साइडवेज कंसोलिडेशन हमने दिसंबर टू जैन मंथ में भी देखा था, जिसका ब्रेकडाउन हुआ था। मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ झूठ बोलूंगा। 1650 से लेकर 1600 रुपए के बीच में लगभग पूरा दिसंबर और जनवरी स्टॉक ने मिड जनवरी तक गुजारा, लेकिन उसके बाद अराउंड 13 जनवरी को ब्रेकडाउन दे दिया और सीधे 1578 पे आ गया और उसके बाद स्टॉक ने बड़ी गिरावट दिखाई है। तो हमें इस स्टॉक में क्या करना है, हमें पोजीशन लेनी है बाय साइड पे। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन का साइडवेज टू जो साइडवेज ही है, कुछ है ही नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव, केवल साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेक आउट होगा। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक और स्टॉक है इसी फील्ड से जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देते हैं, ये रिलैक्सो इंडिया। अगर रिलैक्सो की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर मोर देन 10% भागा है और ये स्टॉक भी रिकवर होने की तैयारी कर रहा है। चार्ट पैटर्न भी ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक चलेगा। तो यहां जो इस कंसोलिडेशन का लोअर एंड है वो 1387 यानी 13 पॉइंट हुआ और 18 पॉइंट ये, यानी ऑलमोस्ट आपके 31-32 पॉइंट का एसएल बन रहा है, जो कि होता है 1.5% के समथिंग का। तो अगर आप इस स्टॉक में 1.5 से 1.25% का एसएल लेके पोजीशन बना सकते हैं, 275 का इसका लॉट साइज है उसमें, या कैश में अगर आप कम लॉस या कम मतलब इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेते हैं, तो छोटे 10, 20, 50, 100 जो भी आपका शेयर में ट्रेड करना होता है उतना एसएल कैलकुलेट करके अगर आप ले सकते हैं तो डेफिनेटली लेना चाहिए। टारगेट सुन लीजिए, 32 पॉइंट्स मैक्सिमम जो मुझे दिख रहे हैं उसके सामने पहला टारगेट है 1450 का, जो कि 32 पॉइंट्स का ही होता है, 1:1 होता है। सेकंड टारगेट जो है वो 1480 का, जो कि यहां से अराउंड 62 पॉइंट्स का होता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा 1:2। और फाइनल टारगेट होगा 1500 का। तो ये कहीं ना कहीं जो वन साइड करेक्शन हमने देखी है वो 1520 से देखिए, तो मेरा 1510 रुपए तक का मुझे लगता है मूव मिल सकता है यहाँ पे। तो ये व्यू बन रहा है बाटा इंडिया के स्टॉक के बारे में। इन केस ये साइडवेज का नेगेटिव ब्रेकडाउन देता है तो हमें एग्जिट ले लेना है, फिर बड़ी गिरावट हो सकती है, उसके लिए हमें नहीं रुकना है, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, आज एक खबर भी आई है कि LIC इंक्रीज स्टेक इन बाटा इंडिया, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के रूप में काम करेगा कहीं ना कहीं। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ। सेकंड स्टॉक प्रॉपर कैश में नहीं है, वो फ्यूचर में है ही नहीं अवेलेबल आपके लिए। स्टॉक का नाम है सिएट लिमिटेड। दोस्तों स्टॉक की बात करूं तो वन साइडेड गिरावट हुई है स्टॉक में 2000 रुपए के लेवल से। अब इसमें बाइंग क्यों करनी है, इसलिए नहीं कि गिरा है। पहला कच्चा तेल जो इनका एक रॉ मटेरियल होता है वो काफी अच्छा खासा नीचे आ गया है। दूसरी बात अगर आप इस स्टॉक का देखोगे तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिलेगा आपको। स्टॉक में जो बड़ी तेजी बनी थी वो अराउंड 900 रुपए से बनी थी और साइडवेज हो गया था स्टॉक अराउंड 1450 से लेके 1550 के बीच में टाइम स्पेंड करता है, फिर एक बड़ी स्पाइक देता है 1950 और 2000 तक जाता है और फिर वन साइडेड करेक्शन आती है, उसके बाद नेगेटिव हो जाता है। तो चार्ट पैटर्न कुछ प्रकार है, जैसे आपने मतलब जैसे ऐसे ऐसे और फिर वो जो गुरुद्वारे का नहीं होता कुछ इस प्रकार और ऐसे, तो सेम वही है हेड एंड शोल्डर जिसे आप काउंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अब ये रिवर्सल देने के लिए तैयार है और प्रीवियस जो 1900-2000 के हाई दिखाए हैं वहां तक जा सकता है, बट हम उतना नहीं। हमें जो फर्स्ट टारगेट रखना है वो 1640 का रखना है एंड सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं 1700 रुपीस के समथिंग का रख सकते हैं आप। इसके लिए एक एसएल भी है आपके लिए जो कि इस स्विंग का लो है और वो है 1371 यानी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के समथिंग का एसएल बन रहा है और पहला टारगेट है 200 पॉइंट का और दूसरा टारगेट है आपके लिए
250 पॉइंट्स के समथिंग का। तो ये दो स्टॉक है जो मुझे इस समय अच्छे लग रहे हैं, रडार पे आए हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर करा। बाकी आप ट्रेड लेने से पहले एक बार खुद भी चेक करना और कन्विक्शन जहां ज्यादा आए वहीं करना। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।